लीजिए, तैयार है हमारा भरवे करेला का रेसिपी। इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया, वीडियो का अंत तक बने रही है, तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका रिंकू मंडल किचन पे। आज का रेसिपी है करेला का भरवा करेला। पहले मैं एक कटोरी में पानी ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी, अब डाल रही हूँ करेला, कम से कम 20 मिनट के लिए करेले को नमक वाला पानी में डुबो कर रखना है, इससे करेला कड़वा कम होता है। 20 मिनट हो चुका है, अब करेले को निकाल लेते हैं अच्छे से साफ करके। सारा करेला के निकाल लिए हैं अच्छे से धो के। करेले को इस तरह कट करना है और इसे इस तरह बीच से चीरा लगाना है। इसका जो बीज है उसको निकाल लेना है। करेला का जो भी अंदर का बीज है उसे बाहर निकाल ले इस तरह। सारे करेले को मैंने इसका जो अंदर का सारा बीज है वो निकाल लिया है। अब इस करेले में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला के साइड में रख दिए अच्छी तरह से। इसका जो है करेला का कड़वापन है वो भी और भी निकल जाएंगे, और भी करेला कम कड़वा लगेगा। तो इस तरह लगा के साइड में रख देते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट। सारे करेला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे रखते हैं साइड में। पहले मैं मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसे आप बाहर निकाल लेते हैं। अब डाल रही हूँ धनिया, एक चम्मच करीब धनिया, साबुत धनिया है ये, एक चम्मच जीरा साबुत, दो लाल मिर्च और कुछ कोकोनट का टुकड़े है ये, ड्राई कोकोनट है ये। इसे अच्छी तरह से सारे चीज़ों को भून लेना है। सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये एक जार, आज जार में डाल रही हूँ जो हमने ड्राई रोस्ट करके है मसाले, साथ में मूंगफली भी। अब इसे ड्राई मिक्सी में पीसना है। ड्राई रोस्ट कर लिया है सारे मसालों को अच्छे से, ये देखिए इस तरह बिना पानी का ही पीसा है ड्राई। ये हमारा फिलिंग तैयार हो गया। अब इसमें कुछ और मसाले, अब जो हमने ड्राई मसाला पीस के रखा है सारा एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, एक चम्मच करी अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से करेला और भी कड़वा कम लगता है। गरम मसाला, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब साइड में रखते हैं। अब पहले जो हमने करेला का ये बना कर रखे हैं, आप इसके अंदर एक एक करके डालना है। इस तरह करेले के अंदर फिल कर देना है। इस तरह सारे करेलों को भर के साइड में रख देना है। इस तरह सारे करेलों को भर लिया है। गैस में कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। अब तेल के भी चारों ओर फैला दे। तेल हमारा गर्म हो चुका है,
अब इसमें एक एक करके करेला डालते हैं मीडियम आंच पे रखे और इस तरह ढक दे। बीच बीच में पलटना भी है इस तरह। सारे करेले को पलट दिया है, अब इसे दोबारा ढक के मीडियम आंच में पकाना है। चेक कर लेते हैं करेला हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा और लगेगा। अब आंच को लो कर दे, लो करके इसे फिर से ढक दे। भरवा करेला हमारा हो गया तैयार। अब करते हैं गैस बंद। लीजिए तैयार है हमारा भरवे करेला का रेसिपी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।